हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था AV-AIDS के बारे में, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्पज पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने दो टाइप से पढ़ा था, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम उस पॉइंट पर चलते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स पर। प्रोजेक्टेड एड्स की डेफिनेशन होती है कि स्क्रीन पे कोई पिक्चर चल रही है और किसी मशीन के थ्रू या किसी भी प्रोजेक्टर के थ्रू वो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है इमेज, तो उससे हम प्रोजेक्टेड एड्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है, प्रोजेक्टेड एड्स आर पिक्चर शोन अपॉन अ स्क्रीन बाय अ यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन। इसके एडवांटेज क्या होंगे? इसके एडवांटेज होंगे कि ग्रेटर इंजॉयमेंट इन लर्निंग होगा, देन रैपिड लर्निंग होगी इससे बहुत ज़्यादा, और रिटेंशन इंक्रीज होगा, रिड्यूस एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होगा वो इनलार्ज भी हो सकता है इससे, रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और ब्रिंग डिस्टेंट पास्ट एंड द प्रेजेंट इन टू द क्लासरूम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टेड एड्स के टाइप। प्रोजेक्टेड एड्स के टाइप है, एक तो ओपेक प्रोजेक्टर, एक स्लाइड प्रोजेक्टर, एक फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD, टेलीविजन, कैमरा, ये सब पढ़ते हैं हम इसके अंदर। तो आज मैं दो तीन से चार टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ इसके अंदर। सबसे पहला मैं डिस्कस करूँगी ओपेक प्रोजेक्टर को। ओपेक प्रोजेक्टर एक डिवाइस है जो कि डिस्प्ले ओपेक मटेरियल बाय शाइनिंग और ब्राइट लैम्प ऑन टू द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर शाइनिंग या ब्राइट लाइट इससे डाली जाती है ओपेक प्रोजेक्टर के थ्रू, और ये सिस्टम ऑफ मिरर है, प्रिज्म या फिर इमेजिन लेंस है जो कि यूज़ किया जाता है फोकस एंड इमेज, इमेज को फोकस करने के लिए और स्क्रीन को व्यू करने के लिए। इसके प्रोजेक्टर इसके अंदर रिक्वायर प्रोजेक्टर बल्ब होता है, रिक्वायर ब्राइट बल्ब्स, इसके अंदर लार्ज लेंस होता है, केयर टू बी टेकन टू प्रिवेंट मटेरियल डैमेज। इसके बाद में ये नॉट वेरी कॉमन है। इसके बाद टिपिकली यूज टू प्रोजेक्ट इमेज टू बुक पेजेस, ड्राइंग्स, स्पेसिमेन, लीव्स, etc. आर्टिस्ट एनलार्जमेंट टूल है। और इसके एडवांटेज हैं ओपेक प्रोजेक्टर के कि ये अटेंशन को स्टिमुलेट करेगा, इंटरेस्ट को अराउज करेगा, क्लेरिफाई करेगा इंफॉर्मेशन को, स्टूडेंट की हेल्प करेगा रिटेन करने में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करेगा सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, नॉलेज और एबिलिटी टेस्ट करेगा, और रिव्यू इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स होगा उसको रिव्यू करेगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोऑपरेटिव फैसिलिटेट करेगा, पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इन सब के ये इसके ओपेक प्रोजेक्टर के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसीज विद ब्रिलियंट स्क्रीन इमेज सूटेबल फॉर यूज इन द लाइट रूम। जो प्रॉपर लाइटेड रूम होता है उसके अंदर इसकी स्क्रीन और इमेजेस होती है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से शो होती है। टीचर कैन राइट या ड्रॉ डायग्राम्स ऑन ट्रांसपेरेंसी व्हाइल ही टीच। जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है तो इसकी जो लाइटिंग होती है वो इमेज को क्लियर दिखाती है, अगर टीचर राइट कर रहा है तो या ड्रॉ कर रहा है तो इसके जो पर्पज है वो क्या होंगे? डेवलप कंसेप्ट एंड सीक्वेंस इन अ सब्जेक्ट मैटर एरिया, टू मेक मार्जिनल नोट्स ऑन ट्रांसपेरेंसीज फॉर द टीचर्स, यूज दैट एंड कैरी विदाउट एक्सपोजिंग, टू टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्हाइल ओवर क्लासमेट ऑब्जर्व, देन टू शो रिलेशनशिप बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ओवरलेज इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। इसके एडवांटेज क्या होंगे कि टीचर कैन फेस
द क्लास, टीचर है वो क्लास को फेस करेगा, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड ऑब्जर्व रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये प्रोजेक्टर चल रहा है क्लासरूम के अंदर तो टीचर है वो स्टूडेंट से आई कॉन्टैक्ट रख सकता है, स्टूडेंट्स पर ऑब्जर्वेशन रख सकता है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकता है और फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर क्लास ले सकता है, स्टूडेंट की अटेंशन गेन कर सकता है। और इसके लिए जो इसकी यूज़ होता है वो लाइट्स का यूज़ होता है। ग्राफिक्स एंड राइटिंग कैन शोन क्लियरली एंड कलरफुली, जितने भी ग्राफिक्स होते हैं या जो राइटिंग होती है उनको कलरफुल तरीके से शो किया जाता है। इकोनॉमिकल मेथड होता है, कैन बी यूज रिपीटेडली, इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और ईजीली अवेलेबल हो जाता है और इसको ऑपरेट और हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसके डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता, रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग एज ओवरहेड प्रोजेक्टर, बल्ब वाज वेरी सेंसिटिव टू पावर फ्लक्चुएशन एंड जर्किंग मूवमेंट, इसका जो बल्ब होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ट्रांसपेरेंसी प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर गुड हैंड राइटिंग एबिलिटीज, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर हैंड राइटिंग जो है वो गुड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आएगा यूजिंग ओपेक प्रोजेक्टर की प्रिक्वेशन कैसे होती है, कि इसको हैंडल करते हैं केयरफुली, देन प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रेकेज, टूटने से बचाते हैं इसको, देन कैप क्लीन, इसको क्लीन रखेंगे, कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर से बचा के रखेंगे, स्विच ऑफ व्हेन नॉट इज यूज, जब इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तब इसको स्विच ऑफ कर दें। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है टेलीविज़न होता है जिसका वाइडली यूज़ होता है आज के टाइम में और पहले के टाइम में भी। पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवीज चलते थे, आजकल के टाइम में कलरफुल टीवीज चलते हैं। ये एक वे होता है एक तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का, प्रॉपर कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, लार्ज ग्रुप के अंदर एक ही टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे शेयर हो सकती है। देन उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि टेलीविज़न के अंदर आपको अपडेट मिलती रहती है, करंट जो हैपनिंग होती है उस सब की अपडेट्स मिलती रहती है और ये एक एंजॉयमेंट का सोर्स होता है। और इसके जो एडवांटेज है वो एजुकेशनल टेलीविज़न एजुकेशन में क्या है इसके एडवांटेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इफेक्टिव लर्निंग को इंड्यूस करता है। देन डायरेक्टली शो करंट हैपनिंग एंड लाइव शो हैपनिंग इवन इन दी रिमोट पार्ट्स, जो भी करंट में जो चल रही है सिचुएशंस या करंट में जो भी लाइव शोज चल रहे हैं उन सबको अपडेट करता है ये। और टीवी कैन वर्क एज अ पावरफुल मीडियम ऑफ मास एजुकेशन, एक पावरफुल मीडियम है मास एजुकेशन का टेलीविजन प्रोग्राम, वेल प्लान्ड वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड एडिड विद ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑल्सो, टेलीविज़न होता है वो एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है ऑल्सो में, जिसमें ऑडियो भी चलता है साथ में वीडियो भी चलता है, तो एक तो ज़्यादा अट्रैक्टिंग होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो लोग इसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अंदर टीवी प्रोग्राम कैन ईजिली बी मेड टू इंक्लूड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग टू अपडेट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर बोथ, स्टूडेंट और टीचर के नॉलेज को अपडेट करता है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्लाइड होती है वो स्मॉल ट्रांसपेरेंट पिक्टोरियल डायग्रामेटिक स्लाइड्स होती है, जिनको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है प्रेजेंटेशन के लिए लार्ज स्क्रीन पर। उसके बाद आप क्या करते हैं कि स्लाइड का जो मिनिमम या आइडियल साइज होता है वो 2x2 inches का होता है। इसको अपन यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फाइंडिंग, जैसे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो गई या पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस के लिए और पेशेंट्स विद रेयर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए, इन सब का यूज़ अपन करते हैं स्लाइड्स का। तो स्लाइड्स के जो टाइप है वो है एक तो फोटोग्राफिक स्लाइड, एक हैंडमेड स्लाइड, एक मार्कर स्लाइड, एक अटैच ग्लास स्लाइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है स्लाइड के। स्लाइड के एडवांटेज है कि ये अटेंशन को अट्रैक्ट करेगी, उसके बाद में ये इंटरेस्ट को भी बढ़ाएगी
और लर्निंग के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि आप बहुत सारी स्लाइड्स के अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें नई नई डाल सकते हैं, नए वर्ड्स डाल सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनता है। और इसको ईजिली रिवाइज और अपडेट कर सकते हैं आप, ईजिली हैंडल स्टोर्ड एंड रीअरेंज्ड कर सकते हैं। यूज़ इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल, इसको एक इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है और इसको आप ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये नॉट सूटेबल फॉर एजुकेशनल, फॉर ऑल एजुकेशनल मटीरियल, सारे एजुकेशनल मटीरियल के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो लंबे टाइम के लिए हम नहीं कर सकते हैं, और इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्किल इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। इन सब की इमेजेस मैं इस वीडियो के लास्ट में डालने वाली हूँ, इन सब की इमेजेस आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।